हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी ईवीएस पार्ट छः किस पर पकाएं, किस में खाएं, पेज नंबर 39-39 पर हैं। तो शुरू करते हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिज़ाइन देखकर शिवानी ने आरती से पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई, और हाँ तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई। आरती ने शिवानी को बताया, शिवानी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। शिवानी अच्छा, वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए होंगे। आरती हाँ बहुत मज़ा आया, वहाँ मेरी नानी नाना मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी, हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। आरती ने ये सब चीज़ें बताई। उसके बाद शिवानी अच्छा और क्या क्या खाया। आरती हाँ बताती हूँ, लो आधी छुट्टी हो गई, पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बात भी करेंगे। तो बच्चों खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। शिवानी मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए। आरती मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। शिवानी हाँ बताओ। आरती शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा, पेज नंबर 40 पर चलते हैं। ये है पेज नंबर 40। गैस का चूल्हा था, उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेजों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। अब बताओ, आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है। तो मिलान करना है हमने चूल्हा। चूल्हा किसके साथ मिलाएंगे, गैस के साथ मिलाएंगे। ये देखिए चूल्हे को हम गैस के साथ मिलाएंगे। ये क्या है, स्टोव। स्टोव को तेल के साथ मिलाएंगे। ये देखिए तेल डलता है स्टोव में। उसके बाद हमारे पास है ये क्या है, अंगीठी। अंगीठी को ये इसके साथ मिलाएंगे, और ये हमारा चूल्हा है। चूल्हे को ईंधन के साथ, लकड़ी के साथ मिलाएंगे, ठीक है। और ये सोलर प्लेट है, इसको हम सूर्य के साथ मिलाएंगे। पेज नंबर 41 पर चलते हैं। पेज नंबर 41, 41 नंबर पेज पर आ गए हैं। भोजन बनाने की तैयारी। आरती शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं। पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। सोचो और लिखो, दिए गए काम तुम्हारे घर के कौन कौन सदस्य करते हैं, यह काम और यह कौन कौन करते हैं। गेहूँ पिसवाना पिताजी, माँ बड़ा भाई गेहूँ पिसवाने का काम करता है। फल सब्जियाँ कौन लाता है, पिताजी माँ और बड़ा भाई फल सब्जियाँ लाते हैं। सब्जियाँ धोना और काटना माँ का काम है, सब्जियाँ धोना और काटना। भोजन पकाना माँ का काम है, भोजन परोसना माताजी भोजन परोसती हैं। दूध उबालना माताजी दूध उबालती हैं। बर्तन साफ़ करना माताजी बर्तन साफ़ करती हैं। रसोई घर की सफाई कौन करता है, माताजी रसोई घर की सफाई करती हैं। पेज नंबर 42 पर आ गए हैं। सोचो चित्र बनाओ और लिखो, तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है। बर्तन का चित्र और बर्तन का नाम, ये हमने कढ़ाई का चित्र बनाया है, ये हमारी कढ़ाई है कढ़ाई। ये प्रेशर कुकर का चित्र बनाया है, और ये प्रेशर कुकर बर्तन का नाम। ये पतीला है जिसमें हम दूध उबालते हैं या चाय बनाते हैं, तो ये इसका नाम है पतीला। तुम खाना खाते समय किस बर्तन का प्रयोग करते हो, चित्र बनाकर नाम लिखो। बर्तन का चित्र और बर्तन का नाम, ये हमारा गिलास है, खाना खाते समय हम गिलास का प्रयोग करते हैं। चम्मच है, ये चम्मच का प्रयोग करते हैं चम्मच। उसके बाद ये थाली है, थाली का हम प्रयोग करते हैं खाना खाते समय। पेज नंबर 42 यहीं समाप्त होता है। अगले पेज पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।